तो हमें प्रूव करना है कि एक फाइनाइट जीपी में प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. तो पहले लेट करते हैं, हमारी जो जीपी है वो है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन. तो ये क्वेश्चन एनालॉगस है जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव किया था, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है उन टर्म्स के जो कि इक्विडिस्टेंट है बिगिनिंग और एंड से. तो पहले देखते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है. मुझे पता है कि एक जीपी में जनरल टर्म इज गिवन बाई ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन. तो मेरा ए वन इंटू ए एन हो गया ए इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन. अब मुझे देखना है कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा अगर हम उसको एक टर्म को एंड से लें और एक टर्म को बिगिनिंग से लें. तो जो मेरी सीक्वेंस है, मैं मानता हूँ कि मैंने mth टर्म लिया फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मुझे एक टर्म लेना पड़ेगा जो कि mth हो बैक से भी. मुझे पता है जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो वो होता है ए एम माइनस एन प्लस वन विच इज इक्वल टू ए एम फ्रॉम द बैक. तो मुझे पता है फ्रंट से ये mth है और ये बैक से mth है. तो ये दोनों टर्म्स इक्विडिस्टेंट हो गए फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड. तो मेरा प्रोडक्ट जो बचता है वो है ए एम फ्रॉम द बिगिनिंग इनटू ए एम फ्रॉम द बैक एंड दिस इज इक्वल टू ए एम इनटू ए एम ए एन माइनस एम प्लस वन. क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन और हम लोगों को ले रहे हैं mth टर्म. तो दिस इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एम माइनस वन टाइम्स ए टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस एम प्लस वन माइनस वन विच इज इक्वल टू इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस एम विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर एम माइनस वन प्लस एन माइनस एम विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू द पावर आर माइनस. और हमने देखा था यही प्रोडक्ट है इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट टर्म का. तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो किसी भी दो टर्म्स जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द बैक आर सेम टू ईच अदर. तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है. तो अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर.